विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की पतली। विरह और वेदना को अपने काव्य का आधार बनाने वाली छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री और आधुनिक मीरा के रूप में प्रतिष्ठित महादेवी वर्मा कवयित्री होने के साथ साथ रेखाचित्र और संस्मरणकार के रूप में भी प्रसिद्ध रही। महादेवी जी एक प्रसिद्ध चित्रकार भी थी और आपके निबंध आज भी पाठकों को करुणा से विगलित करने में सक्षम हैं। महादेवी वर्मा ने चांद नामक पत्रिका का संपादन कार्य भी किया। महादेवी का जन्म 1907 में हुआ था। इनके प्रमुख काव्य संकलन हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत और यामा। 1936 में प्रकाशित यामा काव्य संकलन पर महादेवी वर्मा को 1982 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाद की रचनाएं सप्तवर्णा, संधिनी और परिक्रमा नामक काव्य संकलन में संग्रहित हैं। महादेवी के प्रमुख रेखाचित्र और संस्मरण संग्रह हैं अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी और मेरा परिवार। पथ के साथी में इन्होंने अपने समकालीन कवियों और साहित्यकारों से संबंधित स्मृतियों को व्यक्त किया है। मेरा परिवार मानवेतर पशु पक्षियों के साथ महादेवी के आत्मीय रिश्तों की गवाही देता है। श्रृंखला की कड़ियां महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है, जिसमें जीने की कला, युद्ध और नारी, आधुनिक नारी आदि प्रसिद्ध निबंध संकलित हैं। महादेवी की रचनाओं में बौद्ध दर्शन का पीड़ावाद और उपनिषद का सर्वात्मवादी दर्शन दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताओं के बारे में। महादेवी वर्मा की कविताएं उनकी सघन विरहानुभूति के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कविताओं में प्रेम और वेदना की गहनता के साथ करुणा की प्रधानता मिलती है। महादेवी लिखती है, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात, वेदना में जन्म, करुणा में मिला आवास, अश्रु चुनता दिवस इसका, अश्रु गिनती रात, विरह का जलजात। उन्होंने अपने जीवन को विरह का जलजात यानी कमल माना है। इनका जीवन विरह और वेदना में बीता। इसी संदर्भ में वे लिखती हैं, पर शेष नहीं होगी यह मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। यहाँ पीड़ा का अर्थ प्रणय की सघनता है। अपने जीवन को पीड़ा, वेदना और करुणा से आप्लावित मानने वाली महादेवी की रचनाएं बार बार उनके भावों को अभिव्यक्त करती रही। इनके विरह में निरंतरता, चिरंतनता का भाव है। वे लिखती हैं, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ। इनकी विरह भावना में आध्यात्मिकता का आभास भी होता है, जिसे हम साहित्य की दृष्टि से रहस्यवाद कह सकते हैं। महादेवी अपनी एक कविता में लिखती है, मैं फूलों में रोती, वे बालारुण में मुस्काते, मैं पथ में बिछ जाती, वे सौरभ में उड़ जाते। अब यहाँ पर जो वे हैं, वह किसी अदृश्य सत्ता, किसी अदृश्य शक्ति के प्रतीक के रूप में आए हैं। इनके काव्य में भावनाओं के उद्रेक की प्रधानता है। उनकी एक पंक्ति है, पुलक पुलक उर सिहर सिहर तन, आज नयन क्यों आते भर भर। विरह वर्णन में नारी सुलभ सात्विकता का भाव भी दिखाई देता है। वे लिखती हैं, मैं कण कण में ढाल रही हूँ आंसू के मिस प्यार किसी का, मैं पलकों में पाल रही हूँ यह सपना सुकुमार किसी का। बौद्ध दर्शन के अनुसार दुख और करुणा को इस जीवन की मूल थाती मानती हुए महादेवी लिखते हैं,
अमरता है जीवन का रास, मृत्यु जीवन का चरम विकास। इनकी रचनाओं में एक भक्त हृदय की तन्मयता भी दिखाई देती है। वे लिखती हैं, क्या पूजन क्या अर्चन रे, उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। इस भक्ति में आत्मसमर्पण और बलिदान का भाव भी है। अपने आप को, अपने जीवन को दीपक के रूप में प्रस्तुत करती हुई महादेवी कहती है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। अपने आप को मिटाकर अपने प्रिय के पथ को आलोकित करने का भाव आत्मसमर्पण और बलिदान का सबसे महान आदर्श हो सकता है। महादेवी की कविताओं में दृढ़ आस्था का भाव भी मिलता है। वे लिखती है, अब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, देखोगे तुम देव अमरता खेलेगी मिटने का खेल। यहाँ उक्ति वैचित्र्य के साथ साथ अद्वैत दर्शन का भाव भी है। जहाँ कवयित्री अपने सीमित जीवन को असीम के साथ एकाकार होने का भाव व्यक्त करती हैं, वे लिखती हैं, बीन भी हूँ तुम्हारी रागिनी भी हूँ, दूर तुमसे हूँ अखंड सुहागिनी भी हूँ। इन कविताओं में विश्व कल्याण की कामना भी समाहित है। महादेवी अपनी एक कविता में कहती है, तप रे मधुर मधुर मन, विश्व वेदना में तप प्रतिपल। विश्व वेदना को हरण करने का, विश्व की पीड़ा को अपने हृदय में समाने का भाव इन रचनाओं में मिलता है। अमरों के लोक की अपेक्षा या स्वर्ग लोक की अपेक्षा महादेवी इस नश्वर संसार को अधिक श्रेष्ठ मानती हैं। वे कहती हैं, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे यह मेरे मिटने का अधिकार। उनके विरह की अंतरदशाओं में विविधता के दर्शन होते हैं। विरह की कुल 10 दशाएं मानी गई हैं, जिसमें अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप आदि दशाएं हैं। स्मरण के रूप में वे लिखती हैं, भूलती थी मैं सीखे राग, बिछलते थे कर बारंबार। अभिलाषा के रूप में उनकी एक पंक्ति है, नयन श्रवणमय श्रवण नयनमय, आज होल रही कैसी उलझन। विरह के 4 प्रकार या 4 अवस्थाएं होते हैं, पूर्वराग, प्रवास, मान और करुण। पूर्वराग के संबंध में महादेवी की एक पंक्ति है, हे नब की दीपावलियों तुम पल भर को बुझ जाना, मेरे प्रियतम को बाता है तम के पर्दे में आना। वहीं विरह की अंतिम अवस्था में विरह श्रृंगार करुण में बदल जाता है। करुण जो शोक रस की प्रधानता लिए हुए हैं, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। इस करुण के बारे में महादेवी लिखती हैं, चिंता क्या है, है निर्मम, बुझ जाए दीपक तेरा, हो जाएगा तेरा ही पीड़ा का राज्य अंधेरा। विरह वर्णन के साथ महादेवी के काव्य में संगीतात्मकता या गीति तत्व की प्रधानता है। इसके बारे में प्राय प्रश्न पूछा जाता है कि महादेवी के काव्य में गीति या प्रगीति तत्व की विशेषताएं बताइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गीत क्या है। गीत की परिभाषा देती हुई महादेवी वर्मा लिखती है, सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना की उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। गीत के प्रमुख तत्व या विशेषताएं क्या है? गीत की अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग तत्व हैं, और ये सारे तत्व महादेवी के गीतों में, उनकी रचनाओं में मिलते हैं। महादेवी के
गीतों में पहला जो तत्व है वो है संक्षिप्तता, दूसरा तत्व वैयक्तिकता या आत्माभिव्यंजकता। कवयित्री अपने भावों को कविताओं के माध्यम से व्यक्त करती है। तीसरा तत्व है रागात्मकता, यानी भावों की प्रधानता, इसे भाव सघनता भी कहते हैं। अगला तत्व है भावगत एक रूपता, पूरे काव्य में हमें विरह का भाव मिलता है। गीती काव्य का पांचवा तत्व काल्पनिकता है, जिसका संयोजन महादेवी की रचनाओं में मिलता है। अगला तत्व संगीतात्मकता या नाद सौंदर्य है, जिसे ध्वन्यात्मकता भी कहा जाता है। महादेवी के गीतों में छंद और तुक का समुचित निर्वाह किया गया है। इसके अलावा एक प्रमुख तत्व गीति काव्य का है, वह है शैलीगत सुकुमारता। महादेवी वर्मा की रचनाओं में कोमलकांत पदावली, वर्ण और स्वर की मैत्री, आनुप्राशिकता और पुनरुक्ति का प्रभाव उनके काव्य को गीति तत्वों के कसौटी पर सफल साबित करता है।